चलो, ऑनलाइन स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे जहाँ से बाकी है वहाँ से हम रीड स्टार्ट करेंगे। मैं आपको ओनली फॉर दो पैराग्राफ आज समझाऊंगी और ऐसे अच्छे से समझना, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। ओके, नाउ द सर्कस इज ओवर। अब क्या हो गया है? सर्कस ओवर हो गया है, यानी कि भर गया है, ठीक है? जम्बो इज इन द टेंट। जम्बो कहाँ पर है? टेंट में है। ही इज लुकिंग आउट ऑफ द टेंट। वो कहाँ पे देख रहा है? टेंट के बाहर देख रहा है, ठीक है? ओके, ही इज हंग्री, यानी कि वह क्या है? भूखा है। हंग्री यानी कि भूखा, ठीक है? ही वॉन्ट्स सम फूड, यानी कि वो क्या करना चाहता है? कुछ खाने के लिए कुछ खाना चाहता है, ठीक है? वो खाना खाना चाहता है। देयर आर सम नाइस बनाना। वो वहाँ पे क्या देखता है? कुछ अच्छे से बनाना देखता है। बनाना यानी कि केला। ओके, बट हाउ कैन जम्बो गेट देम। लेकिन गेट यानी कि वहाँ जाए, यानी कि जम्बो ये सोचता है उसे बनाना तो अच्छे अच्छे दिख जाते, बट वो वहाँ पर कैसे जाए, वो ये सब सोचता है, ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। नाउ जम्बो इज रनिंग अवे फ्रॉम द सर्कल, यानी कि जो जम्बो होता है वो क्या जाता है? रनिंग अवे फ्रॉम द सर्कस, यानी कि सर्कस की तरफ दौड़ता है। ऑल आर स्लीपिंग साउंडली, यानी कि सब क्या है? साउंडली सो रहे हैं। जम्बो इज गोइंग अवे फ्रॉम द टेंट, यानी कि जम्बो कहाँ पे जाता है? अपने टेंट पे जाता है। ओके, ही इज होल्डिंग द बेज, अदरवाइज द नॉइज विल वेक अप एवरीवन, यानी कि वह वहाँ पर रुकता है तो अचानक उसकी कहाँ पे उसकी बेल की आवाज़ आ जाती है और वो क्या कर लेते हैं? सब लोग सुन लेते हैं, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया सभी को? एक बार वापस ऐसे कैसे रीड करते हैं, हम इंग्लिश में रीड करते जाएंगे। ओके, नाउ द सर्कस इज ओवर, जम्बो इज इन द टेंट, ही इज लुकिंग आउट ऑफ द टेंट, ही इज हंग्री, ही वॉन्ट्स सम फूड, देर आर सम नाइस बनानास। ओके, बट हाउ कैन जम्बो गेट देम। ओके, नाउ जम्बो इज रनिंग अवे फ्रॉम द सर्कस, ऑल आर स्लीपिंग साउंडली। Jumbo is going away from the tent. He is holding the bag. Otherwise, the noise will wake up everyone. Okay? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, ठीक है? ये अपने ही नोटबुक में एक बार लिख लेना, ठीक है? Our lecture is complete. और लेक्चर कंप्लीट करने से पहले मैं इसमें बताती हूँ कि पूरी स्टोरी किसके डिपेंड पर है। जम्बो, जम्बो कोई एक इंसान नहीं है, वो क्या है? एक हाथी है, और हाथी के ऊपर ये पूरी स्टोरी है, ठीक है? और ये अच्छी से हैंड राइटिंग कोई खिचड़ी मत करना, ठीक है? अच्छी से हैंड राइटिंग में एकदम लाइन छोड़कर एकदम व्यवस्थित लिखना। और ये पिक्चर जो हाथी का जम्बो वाला पिक्चर है, ये आपको ड्रॉ करना कंपलसरी है, और उसमें आपको मोम या पेंसिल कलर भरने हैं। ओके, क्लियर? और ये अच्छे से रीड करते जाना, क्योंकि अभी आपको पढ़ना नहीं आ रहा होगा, पर घर पे हो इसलिए प्रैक्टिस करते जाना कि हमें कैसे पढ़ना है। मैं कोई आपको साथ में पूरा रीड नहीं करवा रही हूँ, धीरे धीरे रीड करवा रही हूँ। सो आप रीड करते जाना, ठीक है? ओके, और अपने सुंदर हैंड राइटिंग से, और ट्रांसलेशन नहीं आए तो मैं एक बार वापस रिपीट कर लूँगी, ठीक है?